एवरीवन, वेलकम टू सिमज इटली। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पार्लर में हेयर कट के क्या क्या रेट रख सको। जैसे काफी तरह से कटिंग होती है और उनके आप डिफरेंट डिफरेंट रेट कैसे ले सको। जैसे थ्री स्टेप्स है, मल्टी स्टेप्स है, वी शेप है, लेयर्स कट है, और स्ट्रेट है, यू है, डीप यू है, और काफी तरह से है डिफरेंट। तो आज मैं आपको अपने पार्लर के रेट बताती हूँ कि मैं मेरे पार्लर में हेयर कट की क्या क्या रेट है। तो चलिए आपको अपना पार्लर के रेट बताती हूँ पिक्चर के द्वारा। जो मेरे पार्लर में हमने हेयर कट किया है उनकी पिक्चर के द्वारा मैं आपको रेट बताऊंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम स्ट्रेट हेयर कट करते हैं तो स्ट्रेट हेयर कट का हम 50 रूपीज लेते हैं, इक्वल कर उसका हम 50 रूपीज लेते हैं। अगर आपको यू शेप करना है, लाइट राउंड में करना है, तो आप उसका 80 ले सकते हो। ये सबके एरिया के हिसाब से होता है, कि आपका कैसा एरिया है। अगर आपके हो सकता है आप इससे कम या ज्यादा ले रहे हो, पर हम अपने पार्लर का रेट आपको बता रहे हैं कि जो मेरे पार्लर का रेट है वो हम आपको बता रहे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपका जो एरिया है जहाँ पर आप अपना पार्लर चला रहे हो, उस हिसाब से आपको अपने पार्लर के रेट लेने। चलिए हम अपने पार्लर के रेट बताते हैं। जैसे हम अपने पार्लर में ब्लेंड कट का 100 रूपीज से 150 तक लेते हैं। अब जैसे ये थोड़ा लॉन्ग में है तो इसका हम 100 लेते हैं, और बहुत छोटे बच्चों का है वो भी 100 लेते हैं। अगर लेडीज़ का है तो 150 तक लेते हैं ब्लो ड्रायर के साथ। तो ये मेरे पार्लर का रेट है। और अगर मशरूम कट है तो जैसे मशरूम कटिंग करते हैं उसका भी 150 है। इस तरह से अगर मशरूम में बहुत ही लाइट हेयर है किसी का तो 130 ले लेते हैं। बहुत ही छोटा बच्चा जैसे ये वाली कटिंग है, इसका हमने 130 लिया। बहुत ही लाइट हेयर भी था और काफ़ी छोटी बच्ची थी। इसका भी जैसे आप ये देखो, ये भी मशरूम कट किया है, इसका 150 है प्रॉपर। और ब्लेंड का हम 100 लेते हैं छोटे बच्चों का, और बड़ों का 150। और बॉब कट का, ये बॉब कट है, इसका 200 अगर बच्ची है तो 100 अगर बड़े हैं तो 200। इस तरह से हेयर कट का रेट है, क्योंकि बड़ों में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इस तरह से स्टेप कटिंग, टू स्टेप का स्टेप कटिंग हमारी स्टार्ट होती है 150 से, 150 से 450 तक हम हेयर कट का लेते हैं, वो भी लेंथ के हिसाब से और हेयर की कटिंग के हिसाब से। टू स्टेप का 150, थ्री का भी 150 लेते हैं, लेकिन जब मल्टी स्टेप होने लगता है तब 200 से। जैसे 5 स्टेप है, मल्टी स्टेप्स है, डायमंड कट है, लेज़र कट, डायमंड कट है और फेदर्स कट है, इनका 200 से है। अब ये भी बेबी का कट है, छोटी बच्ची का, तो इसका ब्लेंड कट का 100 ही है। तो इस तरह से आप अपने पार्लर में रेट रख सकते हो कि किस तरह से आप कटिंग कर रहे हो। और इसी तरह से लेज़र कट का है, हम लेज़र कट में 100 से स्टार्ट करके 200 तक लेते हैं। अगर आगे सिर्फ फ्रंट में लेज़र कराया है और पीछे से यू कराया है तो हम 100 लेंगे। अगर फुल लेयर्स में है तो 150, और अगर रेजर से करते हैं तब 200 तक लेते हैं। इसी तरह से आप अपने पार्लर में, और ब्लो ड्रायर का, अगर सिर्फ कोई ब्लो ड्रायर करवाने आता है तो 50 से लेके 100 तक लेते हैं वो भी। अगर, और ये अगर दो मुहे बाल हैं तो इनकी सेटिंग होती है, ये 200 की एक सेटिंग देते हैं। ये देखिए स्टेप्स है, स्टेप्स में भी अलग अलग है। अगर आप रॉड सेटिंग के साथ उनको पूरा करके दे रहे हो, और या फिर आप ड्रायर सेटिंग के साथ दे रहे हो, इसी तरह से आप कटिंग का रेट चलता रहता है। लॉन्ग स्टेप्स में है, शॉर्ट स्टेप्स में है, जैसे इनका शॉर्ट है तो इनका हमने 200 ले लिया। अब ये लॉन्ग है तो इनका 250, और ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग के साथ हमने ये सेटिंग भी ज़्यादा दी, और कभी इनकी कटिंग हुई नहीं थी, फ्रेश कटिंग कर रहे हैं, तो फिर 300 तक। और ये लेयर्स है तो इसका भी हम इसी तरह से आपको रेट हमने आपको बताया। ये डीप वी शेप में लिया था, कटिंग किया था, इसका हमने 100 रुपीज़ लिया था। ये फुल लेयर्स है, इसका हमने 200 लिया है। ये है मेरा 200 तक का लेयर्स का कट है। तो आप अपने पार्लर के हिसाब से, आप अपने क्लाइंट्स के भी हिसाब से कि आपके पास किस तरह से क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप रेट ले सकते हो। 50 से लेके 450 तक मेरे पार्लर में हेयर कट का रेट है। इसी तरह आप अपने पार्लर के हिसाब से अपने रेट रख सकते हो। पार्लर के हेयर कट के रेट बताए हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कट के रेट ले सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे बताने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। और अगले वीडियो में मैं आपको फेशियल के रेट बताऊंगी कि आप अपने पार्लर में फेशियल के क्या क्या रेट।